हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल और न्यू ब्लॉग में आप सबको बहुत स्वागत है। दोस्तों आप मैं रैबिट लोग का पत्ता और रोटी वोटी देने जा रहा हूँ, ये सब देख लीजिए आप और इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। और उससे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हमें रैबिट का खिलाएं ठंडी के मौसम में कैसे क्या डाइट दे, सब कुछ सब चीज़ वीडियो में आपको बताऊँ कम्प्लीटली। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना और चलिए आप पूरा वीडियो दिखाते हैं और पूरा सब कुछ समझाते हैं। जैसा तो ठंडी का मौसम आ चुका है और सभी लोग मतलब अपने रैबिट के लिए परेशान है, क्या खिलाएं किसी डाइट दें, तो मैं आपको बता दोस्तों मैंने रैबिट को आप ऐसे रोटी और ये पत्ता और ये जो बोड़ा वोड़ा है, बोड़ा नाम इसका, ये सब हम रैबिट को खिला सकते हो। और रही बात ठंडी में और चीज़ क्या खिलाएं, तो रैबिट को ज़्यादा करके आप खाए ना हमें ऊँचे बच्ची के ग्रास और वो अन्य धनिया तो आपके घर में अवेलेबल होगा हमेशा, तो आप सब रैबिट खिला सकते हो। और अभी रैबिट को आप कहाँ रखना है, आपको रैबिट आपको इसको इस तरह रखना है क्योंकि ठंडी का मौसम ज़्यादा है और जानते हैं ठंडी मौसम रैबिट ठंडने लग सकती है, इसलिए आपको ठंडी के मौसम में सब चीज़ करना है। और रैबिट को देखो ऐसे मैं घर बनाया था, देखो आप मैं तो बहुत सारे वीडियो आपको बता चुका हूँ हमें रैबिट को ऐसे करना है, पूरा घर देख लीजिए कैसा है, पूरा अंदर से पैक है और बाहर से मैंने कपड़ा बिछाया क्योंकि ठंड अंदर ना जाए, इसीलिए देखो मेरे रैबिट कैसे खा रहे। और दोस्तों आपके मन में कोई भी और डाउट और क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट कर जो बताना। और दोस्तों रैबिट को हम क्या मतलब बहुत कमेंट है कि रैबिट को कैसे रखें, क्या बिछा के कुछ रखना पड़ता है कि नहीं रखना पड़ता है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अब मैं रैबिट आप ऐसे भी रख सकते हो, कुछ भी बिछाने या कुछ भी बोरा लाने जरूरत नहीं है। फालतू जो यूट्यूबर होते हैं सब आपको कंफ्यूज करते हैं। अब रैबिट को आप सिंपल सा घर बना दीजिएगा और रैबिट को जहाँ रखना वहाँ रख दीजिएगा। और लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अब रैबिट का घर एकदम बढ़िया ही होना चाहिए कि कहीं से भी हवा ना आए, किसके कहीं से भी कुछ ना आए, इससे क्या होगा आपका रैबिट को मतलब ठंडी नहीं लगेगी और आपका रैबिट एकदम सेफ और अच्छा रहेगा। और हमें रैबिट को कितना खोलना चाहिए, कहाँ घुमाना चाहिए, ये सभी आपको मन में डाउट होगा कि कितना घंटे खोलें रैबिट को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मैं अपने रैबिट को सिर्फ सुबह और शाम को ही खोलता हूँ, बाकी मैं कभी नहीं खोलता क्योंकि मेरे पास लगभग टाइम नहीं रहता क्योंकि मेरे लगभग बोर्ड के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं इतना वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का एक भी मकसद है कि आप लोगों को सही जानकारी मिले, सही डायरेक्शन मिले रैबिट को पालतू जानवर को पालने के लिए। और आपके मन में अगर कोई भी अन्य एनिमल्स के बारे में मतलब कोई भी डाउट होगा या क्वेश्चन होगा तो हमें कमेंट कर जरूर बताना, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और दोस्तों बहुत लोग कमेंट था कि हमें रैबिट को चाय टोस्ट खिला सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ बहुत लोग बोलते हैं यूट्यूबर लोग कि आपने रैबिट चाय टोस्ट नहीं खिलाना चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ रैबिट को आप चाय टोस्ट खिला सकते हो लेकिन महीने में एक या दो बार, मैं भी यही करता हूँ दोस्तों, अपने रैबिट को रोज नहीं खिलाता, एक या दो बार या तो हफ्ते में एक बार खिला सकते हो। मैं इस तरह रैबिट को खिलाता हूँ और उसकी डाइट हमेशा अच्छी रहती है। और हाँ, अपने रैबिट के लिए कुछ इस तरह मिट्टी उट्टी ला के रख देना वहाँ पे, कोने जाके वो खेले और या फिर पोटी करे, देखो इसके पोटी कर रही हूँ वहाँ पे, और ऐसे ऐसे पूरा करना अपने रैबिट के लिए कुछ, और ऐसे मिट्टी जरूर ला कर रख देना कोने में जाके खेल सके वहाँ पे और जब भी उसका टॉयलेट पेशाब कर सके। और अपने रैबिट को ऐसे खेलते हुए आप देख सकते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, देखो कैसे खेल रही है और इसको मिट्टी में खेलना चालू हो गया। तो किस इस तरह ये अपने रैबिट के सेफ्टी और अन्य चीज़ रख सकते हो। और दोस्तों आपको 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं और अपने झंडे को आप लगाते रहिए और अपने हर एक छत पे ऐसे झंडा जरूर लगाना जैसे जैसे हम लगाए हैं, अभी नया झंडा लगाऊंगा। फिलहाल तब तक लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।